नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन रीड करो। क्वेश्चन क्या कह रहा है, द पावर फैक्टर ऑफ एलसीआर सर्किट एट रेजोनेंस। रेजोनेंस का केस क्या होता है, जब एक्सएल की वैल्यू एक्सी के इक्वल होती है। एक्सएल इज इक्वल टू किसके इक्वल होता है, एक्सी के इक्वल होता है। तो रेजोनेंस के केस में जेड की वैल्यू मिनिमम होती है, ठीक है। मिनिमम होने के लिए क्या होता है, जेड इज इक्वल टू जनरली फॉर्मूला होता है आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर। और रेजोनेंस के लिए एक्सएल की वैल्यू एक्सी के इक्वल होनी चाहिए, किसके लिए, रेजोनेंस के लिए, ठीक है। तो उस केस में जेड कितना हो जाता है, मिनिमम, यानी आर के इक्वल हो जाता है। और पावर फैक्टर क्या होता है, पावर फैक्टर 1/2 वी नॉट आई नॉट कॉस फाई। पावर फैक्टर इस केस में अगर एक्सएल एक्सी के इक्वल है तो फाई की वैल्यू क्या होती है, जीरो। पावर फैक्टर जीरो होता है, यानी कॉस फाई की वैल्यू जीरो होती है। तो कॉस जीरो की वैल्यू क्या होनी चाहिए, प्लस वन। तो ये कॉस फाई जो है, ये जो कॉस फाई है, यही पावर फैक्टर है, ये पावर फैक्टर है। और उसकी वैल्यू आ कितनी रही है, प्लस वन। तो कौन सा आंसर अप्रोप्रिएट हुआ, ये वाला ऑप्शन ज्यादा अप्रोप्रिएट हुआ। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।